हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोर विद अदिति व्यास इन टू डेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्किज अबाउट एंटी कैंसर ड्रग एंड इसमें जो हमें एम एस सी के टॉपिक है दैट इज़ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स को रिगार्डिंग हमने इस टॉपिक को क्लियर करना है मीन्स ऐसे तो एंटी कैंसर ड्रग को हम नॉर्मली थ्रिटिकल पोर्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं बट यहाँ पर हमें जो मेरे पास यहाँ पर एच पी यू का सिलेबस रहेगा उसमें सिंपली पूछा है कि एंटी कैंसर ड्रग प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेज ठीक है प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेज के साथ तो एंटी कैंसर ड्रग क्या होते हैं कि मेडिसिन होती है जो डिस्ट्रॉय करती है या किल करती है श्रिंक करती है स्लो दी ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल और कैंसर सेल क्या होते हैं जो एबनॉर्मली ग्रोथ होती है ना हमारे सेल्स की उसे हम बोलते हैं कैंसरस सेल ठीक है cell, तो जो उन्हें किल या डिस्ट्रॉय कर दे उसे बोलते हैं एंटी कैंसर तो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स में हम लेते हैं सिस प्लेटिन जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को साइटो स्टैटिक भी इसको बोलते हैं ट्रांस ट्रांसप्लेटिन हम क्यों नहीं लेते हैं इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ आपके पास सिर्फ प्लेटिन का स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है स्केयर प्लेनर शेप है डी एस पी टू हाइड्रिटाइजेशन है एंड प्लेटिनम जो है टू पॉजिटिव में प्रेजेंट है यानी कि डायमैग्नेटिक है ठीक है जैसे ही हम इसमें वाटर की एडिशन करेंगे ये बायो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और क्रोमोजोम ऑफ कैंसर सेल में जाके ये यूनाइन के साथ जो कि सेवन्थ पोजिशन पर होगा उस पर अटैक करेगा और बाइंड करके जो है अपनी लिंकेज शो करेंगे. बट ट्रांस जो है वो ब्लॉक कर देता है इस पोजिशन को और काइनेटिकली बहुत लेवाइल होता है इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते डिसएडवांटेजेस की बात करें कि सिस प्लेटिन की डिसएडवाटेज क्या हैं तो ये किडनी प्रॉब्लम कॉज करता है और टॉक्सिसिटी होती है नर्वस सिस्टम में और राइट देन जरूरी नहीं है प्लेटिनम का एक ही कॉम्प्लेक्स यूज होता है दैट इज सिस प्लेटिन बट कार्बो प्लेटिन को भी हम यूज करते हैं और कार्बोप्लेटिन जो है वो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है लेस टॉक्सिक होता है ओवेरियन कैंसर में ये मेनली यूज होता है और बहुत कम एक्सपेंसिव होता है और साइड इफेक्ट भी बड़े कम होते हैं इसके ठीक है देन बिससेमाइन डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्गजामाइन प्लेटिनम ठीक है तो ये भी औरली टेकन किया जाता है इसको हम लाइक स्किन पे नहीं लगा सकते ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है और ओवेरियन कैंसर में ही ये यूजफुल होता है और राइट तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी कैंसर ड्रग बट इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे लीथियम एंड मेंटल हेल्थ ठीक है तो लीथियम जो है ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और लीथियम जो है मेंटल इनलेस लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन के लिए काम आता है मूड स्टेबिलाइजर इसे बोला जाता है और लिथियम जो है मेनली एक हफ्ते में या फिर दो तीन हफ्ते में पूरा फ़र्क डाल देता है यानी कि पूरा ठीक कर देता है पर्सन को टैबलेट की तरह भी ले सकते हैं कैप्सूल भी सॉलिड भी और बट इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि वेट गेन हो जाता है हेड हो जाती है ड्राई माउथ रहने लग पड़ता है ठीक है तो ये बेसिकली करता क्या है इंक्रीज कर देता है सर्टेन केमिकल इन योर ब्रेन विच हेल्प टू तो बैलेंस द मूड ठीक है लिथियम टॉक्सिसिटी तब होती है जब एक एम इक्वल लीटर से ज़्यादा इसकी आपके बॉडी में अमाउंट हो जाए ठीक है और ड्रग जो इसको इंक्रीज करते हैं दैट इज़ एस एस आर आई ए सी ई ठीक है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ठीक है तो ये मेनली बाइपोलर डिजीज़ को uh, ठीक करने में हेल्पफुल रहता है तो ये बेसिक सी दो हमारी टर्म्स थी जो कि हमारी यूनिट फोर की थी आ, मुझे कमेंट करके किसी ने बोला था कि मैम आप यूनिट फोर करवा दीजिए और चिलेशन थेरेपी के बारे में मैंने एक और वीडियो ऐड की है उसे आप देख सकते हैं सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग